Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today is the anniversary video for our beautiful Wagonr. Mashallah, Wagonr ek saal ki ho gayi hai. I know ji, we are a bit late. Wagonr ko liye hue hame ek saal hua tha on 13th October 2022. Aaj hai 8th of December 2023. Mere parche the isliye hum video nahi bana sake. But today ek saal is gaadi ko ho gaya aur today I'm going to be letting you know the pros and cons regarding having a Wagonr. Let's begin with the review aur main aapko gaadi ka sab batata hu. Starting with a brief review of this Wagonr. Ye Suzuki ki Wagonr hai jo 2014 mein aayi thi, humne 2022 mein li hai. It costed us 2.7 million. Iske purchase decision ki video separately made hai, everything is made, wo aap aaram se check kar sakte hain. Pehli baat hai ji, gaadi ki shape aap dekhein, bilkul hi wagon hai. Surprisingly stability is much much better. Matlab koi bhi expect nahi karta ki yaar itni achhi stability hogi, lekin iski stability us lihaz se kafi achhi hai. Is gaadi ka paint is silver, jiske liye hame thoda wait karna pada. Is gaadi pe hame koi na own dena pada, matlab it was readily available. Aapko yaad hoga jis time gaadiyon ki prices upar jani shuru hui thi aur market crash honi shuru hui thi, ki to ye bilkul starting mein thi. Is gaadi ka jo number hai वो भी हमें ये 2.7 मिलियन में इंक्लूडेड है. हेंस ये सुजुकी वी एक्स एल है, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन ही है वो AGS आती है, इसलिए एलॉयज है, इसमें फॉग लैंप नहीं आते. मोर ओवर ये जो ट्रिम आती है ये भी आपकी सिर्फ वी एक्स एल में ही आती है. डिफरेंट मिरर्स आते हैं विच आर पेंटेड हैंडल्स आते हैं आपके पास. अनफॉर्चुनेटली आपके पास मड फ्लैप्स नहीं आते, ये हमने आफ्टर मार्केट लगवाए हुए हैं. ये मैंने एलॉयज आपको बता दिए, जो जैसे सुजुकी ने स्टार बनाना था बना दिया स्टार, मतलब कोई अच्छे नहीं लगते. पीछे मूव करें तो माशाल्लाह इतनी बड़ी ये बैक स्क्रीन है कि मैं आपको क्या बताऊं. वी एक्स एल का एम्बलम आ जाता है, एक क्यूट सा हमारे एग्जॉस्ट है. आप टायर्स की वर्थ चेक कर लें, लाइक दे आर वेरी वेरी नैरो, और जैसे मैंने बताया इनमें ग्रिप ना होने के बराबर है. दिस इज़ द की ऑफ दिस कार. इमोबलाइजर की है, इट वर्क्स परफेक्टली फाइन. डिफॉगर भी सही है, अब उनसे अच्छा. ये इसका सिक्योरिटी देखें, अभी इट्स गना स्टार्ट बीपिंग एट अस, क्योंकि मैंने इसे वो अनलॉक किए बगैर खोल दिया. अब इट्स गना डू दैट, देखें जैसे आप अनलॉक करेंगे तो नहीं करेगा. बूट स्पेस देखें, अभी मेरा सिर्फ एक बैग पड़ा हुआ है, तो इट्स कम्प्लीटली डन. ये जो हमने सीट्स हैं ये हमने आफ्टर मार्केट लगवाई थी, इसमें क्लॉथ सीट्स आती हैं. इसमें स्पेयर व्हील भी है, वो भी हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया वैसे अभी तक. और ये कैमरा भी आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है. डोर्स का वेट काफ़ी मुनासिब है, और पीछे जो जैसे मैंने आपको सीट बताया बिल्कुल फ्लैट है, कोई हेडरेस्ट नहीं, अल्लाह माफ़ करे कोई एक्सीडेंट हो जाएगी और डन. लेग रूम भी ठीक ही है, मतलब पीछे मैं देखूँ ना तो मैं बिल्कुल सीधा बैठा हुआ, और ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन है तो मेरी नीज अंदर जा रही हैं. फुटबेल स्पेस ठीक है, लेकिन मेरे जैसे दो बंदे ही आएंगे. सीट बेल्ट लगी हैं. एक्स नॉर्मल आपकी विंडोज़ हैं, जो आपको नॉर्मल रोटरीज हैं. पीछे स्पीकर्स नहीं आते, कोई भी आप वेरिएंट ले लें. टिकॉय और क्रोम डोर हैंडल्स जो कि सिर्फ आपके वी एक्स एल में ही आते हैं. इस गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको पता लगता है यार ये पुरानी है, जैसे ये डोर अनलॉक, आपके पास ये एंटना है कौन देखता है, और माशाल्लाह इसकी हाइट इतनी है कि M6 देखेंगे मेरा सर यहाँ आ रहा होता है. जैसे मैंने आपको बताया हिंजेस मुनासिब हैं, ये पेंट ठीक है, हेल्डिंग अप प्रीटी वेल. जैसे मैंने आपको बताया ये सिर्फ वन टच डाउन है, वन टच ऑटो नहीं है, और वन टच सिर्फ ड्राइवर है, इट्स नॉट द पैसेंजर वंस. दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ दिस कार, कम्प्लीटली स्टॉक है. सॉरी जरा गाड़ी गंदी हुई है, मेरे पेपर्स आज खत्म हुए थे तो मेरे पास टाइम नहीं था. ये मुझे एक बहुत चीज़ अनॉय करती है कि ये देखें इसने कितने ये फिडली सा आउट इंजन हुड रिलीज है. अच्छा, इस गाड़ी में बड़ी एक अजीब चीज़ है कि इस गाड़ी को एक साल दो महीने हुए हैं और इसकी बैटरी अभी से ही मसले कर रही है. लाइक इट टेक्स अ बिट टू स्टार्ट, और मतलब बैटरी हेल्थ गई है, ख़त्म है बैटरी हेल्थ. मुझे नहीं लग रही दो तीन महीने में ख़त्म हो जानी है. कि हमने इसका कवर लगवाया हुआ है, आई नो ये अंदर से थोड़ी अनटाइडी हुई है, मतलब अगर सिविक आप देखें वो तो बहुत साफ सुफ होती है, थोड़ी गंदी है. अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका जो पेंट है ना उसके साथ मुझे बड़े मसले हैं. जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब ये गाड़ी अल्लाह का शुक्र है कभी लगी शगी नहीं है, ठीक है. अब ये देखें कि ये लाइन, ये मतलब आई मीन कि ये तो बिल्कुल ही हल्की चीज़ों से, ये देखें ये मतलब आई मीन वाई, मतलब अब वैगनर में, और ये मैं नहीं है, मैंने स्विफ्ट की रिव्यू उसमें भी ये मसले थे, मतलब ये देखें ठीक है. अब आप ये देखें, मतलब ये हल्का सा पड़ा हुआ है, हल्के से पड़े हुए हैं. आई मीन यहाँ थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर कर दो, अब यहाँ से भी देखें, और मज़ेदार बात है इसकी फिटमेंट देखें, अब थोड़ी थोड़ी बाहर होनी शुरू हो गई है. मैंने भी अभी देखी है, देखें आप थोड़ी बाहर होनी शुरू हो गई. सो आई एम लाइक यार वाई, ठीक है. और इसके वाइपर से भी यहाँ एक आवाज़ आनी शुरू हो गई थी, वो भी हमने ठीक कराई है. दैट वाज इसके ये स्क्रूज़ लूज़ होना शुरू हो गया है इसका, ठीक है. और इसके वाइपर्स भी कुछ देर में, दो तीन महीने में इसके वाइपर्स भी चेंज होने वाले हैं. तो ये है कि पेंट यार थोड़ा बेहतर कर दो, कितने पैसे लग जाते हैं. आई मीन
इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम, लेकिन नहीं लगाने हैं तो बस नहीं लगाने। जैसे मैंने आपको बताया इसके विंडोज स्लाइटली टेंटेड है क्योंकि ये VXL है, इसमें आपके पास ये क्रोम आता है, ये भी क्रोम आता है, ये आपके पास पेंटेड है योर स्टेयरिंग व्हील एंड इट्स हेल्ड अप प्रीटी वेल, दीज आर योर क्लाइमेट कंट्रोल। मुझे इसके डैश से कोई कंप्लेन नहीं है, हाई है, मतलब मेरा अभी भी वहाँ हाथ नहीं पहुँचता, रियर डिमिंग मिरर नहीं है तो रात को प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा सा। हेडलाइनर ठीक है, मतलब जितना अंदर से कर सकते हैं साफ रखिए तो रहेंगी, सब थोड़ी गंदी हुई है, डू एक्सक्यूज दैट। इसमें एवरेज मीटर नहीं है, मुझे उस पर बहुत शदीद गुस्सा चढ़ता है कि यार एवरेज मीटर दे देते, क्या मसला होना था तुम्हें कि एवरेज मीटर से मुझे लगता है कितने पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। मोर ओवर जी ये गाड़ी चल गई है 15,832 किलोमीटर, विच इज़ हमारी सिविक से भी ज़्यादा चल गई है गाड़ी, और इसे भी एक साल हुआ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारी गाड़ी डेली चलती है, और इसे मैं अभी मैक्स स्पीड 140 पे लेके गया हूँ, इस पे जाके थोड़ी ज़रा बबल करती है तो 100-120 से ऊपर ना ही दिखे इस पर। अब हम आते हैं इसके सेंट्रल इन्फोटेनमेंट पे। सेंट्रल इन्फोटेनमेंट की बात की जाए तो ये देखें, पहली बात है इट टेक्स अ बिट ऑफ अ टाइम, उसके बाद ये जो है ना ये देखें अभी ऑन था और कितना डिले कर रहा है। ठीक है जी, महीने में एक बार इसमें ज़रूर रीसेट होना होता है, और रीसेट होने से ये होता है कि मतलब अंदर तो मैंने USB लगाई हुई है कुरान की, उसमें इस टाइम और इसका सब कुछ छड़ जाता है और ये फिर वापस 2019 में चला जाता है। रिवर्स कैमरा भी मेरे ख्याल बस ठीक है, और इनसे बस कोई इतना अच्छा खास नहीं है। और इसके बाद VXL में आपके पास एक और चीज़, यू हैव दिस बकेट, एक ये भी मसला, ये देखें अनपुलिंग और ये ऊपर ही नहीं आएगी सीट, और ये सारी सुजुकियों सा मसला है, आई गेस स्विफ्ट में नहीं है ये। नाउ वी मूव टू द ड्राइविंग इंप्रेशंस ऑफ दिस सुजुकी वैगनआर। वैगनआर को जैसे मैंने आपको बताया हमने ली थी 13 अक्टूबर को, और अभी माशाल्लाह वैगनआर चल गई है 15,824 किलोमीटर। तो जी जैसे इस गाड़ी को एक साल से ज़्यादा हो गया, तो जब मैंने आपको इनिशियली गाड़ी आई थी मैंने इसका रिव्यू बनाया था, और उसमें जब मैंने आपको ड्राइविंग इंप्रेशंस बताए थे तकरीबन मेरे उस तरह के ही ड्राइविंग इंप्रेशंस हैं, ऑल दो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता चली हैं, क्योंकि सारी बात है व्हेन यू ड्राइव द कार देन ग्रेजुअली यू नो कि हाउ इज़ द कार टू लिव विद। पहले मुझे इनिशियली जैसे मैं कहता था हम कल्टस एस पे आए थे तो इसकी राइड हेड ज़रा ऊँची थी, इनिशियली मुझे भी चक्कर आते थे, पापा को भी आते थे, और आयशा ने उस टाइम इतनी गाड़ी नहीं चलाई थी तो इवन उसे भी थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती थी, लेकिन अब हम सारे माशाल्लाह पक्के हो गए हैं। इवन इसकी फॉर्च्यूनर से थोड़ी नीचे है, मतलब देखें अब मैं बैठा कितना हूँ और मेरी आप हेड स्पेस देखें ठीक ठाक ज़्यादा है। विजिबिलिटी के मामले मेरे वही व्यूज़ हैं, विजिबिलिटी ठीक है, बस इसकी ये जो है ना साइड मिरर्स ये थोड़े से डिसीविंग है, आपको कोने पर नहीं पता चलता गाड़ी कौन सी है, बॉक्सिंग है तो इसमें ब्लाइंड स्पॉट बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेशली आप रश में हूँ या फॉर एग्जांपल अगर आपने हाईवे पे टर्न करना होता है ना उसमें ये प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। प्लस इस गाड़ी की इतनी बड़ी खिड़कियाँ कि पूरी मेरे ख्याल बाहर से हर बंदा गाड़ी के अंदर आराम से देख रहा होता है, मतलब दूसरी गाड़ी में होता है ना थोड़े नीचे होके बैठते हैं, इसमें तो माशाल्लाह आप इतने ऊपर बैठे हैं आप, मतलब मेरी ये देखें शोल्डर लाइन मेरी यहाँ आ रही है, ठीक है, वरना दूसरी गाड़ी होती है मैं नीचे बैठा होता तो मेरी यहाँ तक मतलब सर यहाँ तक आती है, जो पिछली गाड़ी होती है ना उसे अगली गाड़ी नजर आ रही होती है, माशाल्लाह इसकी इतनी हाइट है, जाहिर बात है वैगन है। तो ये है कि गर्मियों में थोड़ी गर्म हो जाती है, ऑल्दो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इसका हीटर भी अच्छा है और गर्मियों में इसका एसी भी बहुत अच्छा है। इवन मैं जब 1 पे चलाता था ना गर्मियों में तो विद इन 5 मिनट्स बेहतरीन होता था, मतलब मैक्स बहुत गर्मी हो तो मुझे 4 पे चलाना पड़ता था, वरना एट 1 इट वॉज वेरी डिसेंट, मुझे इसकी एसी से कोई कंप्लेन नहीं आई। उसके बाद अगर इसकी इंटीरियर क्वालिटी की बात करें तो इनिशियली मुझे लगा था कि इट्स नॉट दैट गुड, एक ये स्क्रैच आया हुआ है ये पता नहीं कैसे आ गया। मेरे ख्याल से इसके जो प्लास्टिक्स है ना दोज आर फार बेटर देन ऑल्टो, इवन आई वुड से कल्टस से भी थोड़े बेहतर हैं, क्योंकि जब मैंने कल्टस की रिव्यू की थी ना अपने बिलू जी की, उनकी कल्टस में भी मुझे ना थोड़े स्क्रैचेस नज़र आ रहे थे, अलबत्त इसमें कोई स्क्रैचेस नहीं है अभी तक। अब हम आते हैं इस गाड़ी की कंफर्ट के बारे में। इस गाड़ी में माशाल्लाह सिविक इस साल में सिर्फ 2 बार ही गई है, एक मुल्तान और लाहौर, उसके बाद हम वैगन आर ही लॉन्ग पे लेके जाते हैं। मेरे ख्याल 2 बार लाहौर चली गई है, 1 बार चली गई है ये मंडी बहाउद्दीन चली गई है, प्लस ये नहीं कि एक या दो बंदा, माशाल्लाह पूरी भरी हुई सामान के साथ बेहतरीन, वो जो आपने मेरी रील्स भी देखी होंगी। तो ये है कि ऑन हाईवेज ना ये गाड़ी मैंने तो इतनी हाईवे पे नहीं चलाई, लेकिन फॉर एग्जांपल माय डैड माय मॉम उनको नहीं मसला होता है, कहते हैं कि बेटा ये आधे घंटे बाद में घंटे बाद इसमें कमर थक जाती है। उसकी वजह यह है कि आप ये देखें सीट बिल्कुल स्ट्रेट है, तो कोई ना साइड बोलस्टरिंग वगैरह नहीं है सीट पर, तो आपके पास कोई सपोर्ट ही नहीं है और ना यहाँ कोई सपोर्ट है, प्लस आपकी अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल ही गायब है इस गाड़ी में। तो ये होता है कि ऑन लॉन्गर जर्नीज आप ना थकना शुरू हो जाते हैं, प्लस इसकी एक थोड़ी सीटिंग पोजीशन भी ऐसी है, जैसे आपने पीछे देखा तो पीछे तो इतने बुरे हालात हैं कि अगर आप बैठेंगे ना तो अल्टीमेटली होता ही है कि आपका क्योंकि कोई पीछे बैक रेस्ट नहीं होता और ऊपर से बिल्कुल फटा सीट है, ना कोई इसमें बोलस्टरिंग है, देखें बिल्कुल फ्लैट सीट है, तो अल्टीमेटली होगा ये कि आपकी जाके कमर दर्द होगी शदीद वाली,
और इट्स गोना बी वेरी बैड। फिर यही होता था कि जो पीछे पैसेंजर होता था वो या तो लेट जाता था, क्योंकि उसके अलावा कोई हल नहीं है। दिस वॉज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग जो आपको ज़्यादातर रिव्यूज़ में, मतलब इनिशियल जब मैं गाड़ी नई नहीं चलाता हूँ इस तरह की चीज़ें नहीं पता चलती हैं, थोड़ी देर बाद ही पता चलती हैं जब आपको गाड़ी के साथ थोड़ा टाइम हो जाता है। इस गाड़ी में चार कंफर्टेबली आ सकते हैं, पांचवा वुड बी अ स्क्वीज़, और इसकी जो बूट स्पेस है वो आई वुड से इज़ मुनासिब, इट्स बस ठीक ही है, कोई इस तरह नहीं है। उसके बाद ये गाड़ी मैं माउंटेंस पे भी लेके गया हुआ हूँ, हाईवेज पे भी लेके गया हुआ हूँ। तो माउंटेंस पे ये है कि इसका जो इंजन है बहुत निपी है, बड़ी मुनासिब हॉर्स पावर है, इट्स अबाउट 80 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और अबाउट 50 या 60 हॉर्स पावर है इसका। इट्स अ 1 लीटर इंजन है और 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स, और मेरे ख्याल हमने बहुत अकलमंदी की थी क्योंकि AGS में ये वाला मैनुअल वाला मज़ा नहीं है अगर आपने इसे प्रॉपरली इंजॉय करना। इसके साथ साथ गाड़ी को एक साल हो गया लेकिन गाड़ी का अभी भी क्लच इज द सेम, इट्स नॉट हार्ड, इट्स ईजी टू यूज़, लाइट है, और जो इसका गियर थ्रो है वो भी काफ़ी मुनासिब है। हाउएवर इसमें एक मसला है कि फॉर एग्जांपल जब आप गाड़ी में रात को ट्रैवल करते हैं तो इसकी जो लाइट्स हैं वो कोई इतनी मुनासिब नहीं है, मतलब दे आर ओके, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आउटस्टैंडिंग है, अलबत्ता जो हमारी पुरानी कल्टस है उससे बहुत बेहतर है, लेकिन वही कल्टस वाली हैं कि आपको ना हाईवे पे कोई इतनी अच्छी बीम नहीं मिलती, बस ठीक है। और इन सिटी भी आपको कभी कभी रात को शहर के अंदर भी हाई बीम्स की ज़रूरत पड़ जाती है, तो दैट्स अ ड्रॉबैक। अच्छा, जब मैं इसे ऑन माउंटेन्स लेके गया था तो उससे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की थी कि गाड़ी का इंजन बड़ा ज़बरदस्त है, निपी है, कभी आपको शॉर्टेज ऑफ पावर नहीं होती। इसके जो टायर्स हैं ना वो ज़रा हैं पतले, तो उसमें ये होता है कि जब आप थोड़ी इंक्लाइन पे चढ़ते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये हो कि आपसे या थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाए, तो जैसे ही ये गाड़ी ग्रिप छोड़ेगी ना तो ये व्हील स्पिन कर देती है। ये देखिए, अब हम अबाउट वी आर गोइंग एट 70, और इसकी आप देखें कि इंटीरियर इंसुलेशन जो है बस ठीक ही है। तो ऑन 120 दिस गेट्स वेरी नॉइजी, इसके स्पीकर्स आर मुनासिब, ठीक है। कि ब्रेकिंग शरीकें ठीक है, ब्रेकें आई मीन आई हैव ड्रिवन सुजुकी स्विफ्ट, आई हैव ड्रिवन कल्टस, तो उनकी ABS और मतलब सुजुकी के स्टैंडर्ड्स के लिहाज से आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट द ब्रेक्स, बस मुनासिब ही है। मतलब कल्टस की और वैगनार की ब्रेक मुझे एक जैसी लगती है, अलबत्ता वो जो कल्टस मैंने बिलाल की थी उसका वो जो AGS 1, ठीक है, उसमें ABS था लेकिन इसमें नहीं है, और उसकी भी कोई ब्रेक इतनी खास नहीं थी, वो मेरे को स्टिकर ही मारा हुआ था, पता नहीं लग ही नहीं रही थी। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ब्रेक ठीक है, लेकिन इस गाड़ी में ना अंडरस्टेयर इंतहा का ज़्यादा है। अंडरस्टेयर ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप माउंटेन रोड पे जाएं ना, और अगर आप गाड़ी मोड़ेंगे ना तो गाड़ी का स्टेयरिंग आपने मोड़ा होगा, गाड़ी सीधी जा रही होगी। ये इसलिए है क्योंकि इसका स्टेयरिंग इज़ नॉट डायरेक्ट, जारी बात है इस तरह की गाड़ी में आप डायरेक्ट स्टेयरिंग एक्सपेक्ट भी ना करें। ऑन शार्प टर्न्स ना ये गाड़ी बहुत अंडरस्टेयर करती है। इसकी सस्पेंशन भी ठीक है, फार बेटर देन कल्टस, कल्टस से बहुत बेहतर है, सस्पेंशन की मुझे कोई मसला नहीं है। रोड हाइट भी बेहतरीन है, इसे खड्डों वड्डों में कहीं ले जाएं, मैं आपको लिटरली बता सकता हूँ इसे हमने लिटरली इतनी ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग किया ना, मतलब फॉर्च्यूनर पे डर लगता है गिलक शक ना जाए, सवे को भूल ही जाए, इसे ऐसी जगह मट्टी में मैंने चढ़ाया हो ना, कभी आ गए, कभी घास में डाल दो, कभी यहाँ खड़ी कर दो, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं होती। और ये आप देखें कि इसकी विजिबिलिटी इज़ नाइस, मतलब इन रोडों पर ठीक है, इट्स नॉट बैड। अब जैसी टारमैक चेंज हुआ देखें आपने, थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा आवाज़ आनी शुरू हो गई। हमने ड्राइविंग के बारे में बात कर ली है, इसके बाद हम आते हैं गाड़ी के वाइपरों के बारे में। अब इस गाड़ी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन आप ये वाइपर देखें, सही साफ ही नहीं करते, मतलब साल हुआ यार वाइपर सही है, देखें मैं थोड़ा सा ज़रा है मेरे ख्याल वाइपर ब्लेड्स ये तकरीबन 6 महीने के बाद बस ख़त्म है और नहीं चलने वाले इसके वाइपर्स। उसके बाद हम आते हैं गाड़ी की फ्यूल एवरेज पर। हमारी कल्टस जो थी वो देती थी अबाउट 12-13, बहुत हुआ 14 देती थी, उससे ज़्यादा। अब ये देखें मेरे पास इतना बड़ा ब्लाइंड स्पॉट आ रहा है साइड, मुझे नहीं पता मेरान आ रही है और मेरान गुजरी है, तो इसमें आपको बड़ा ध्यान करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे मैं ना बहुत लेट के गाड़ी चलाता हूँ, तो आप ये देखें कि मेरी तो पोजीशन मतलब यहाँ से भी लेटा हूँ, यहाँ मेरी बिल्कुल भी कोई वो जगह नहीं है, तो यू नो ये मसला है। अच्छा, हम बात कर रहे थे गाड़ी की फ्यूल एवरेज पर। तो इन सिटी जैसे हम अभी जा रहे हैं, मुझे ये तकरीबन सर्दियों में दे देती है अबाउट 16-15 17 तक भी चली जाती है, ऑन मोटरवेज तकरीबन इतनी रहती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती क्योंकि के सीरीज इंजन है ना। और गर्मियों में ना ये गाड़ी तकरीबन आ जाती है 14-15 देती है, और हाईवे पे भी इसी तरह। लाइकवाइज इस गाड़ी की जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है उसमें इसका 6-7 हज़ार का इंजन ऑयल चेंज होता है, वो जो लेबर 2-2 हज़ार की डाल देते तो तकरीबन 9 हज़ार के इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है पूरी। स्टीयरिंग इज़ ऑल्सो नाइस, मतलब लाइट है, डायरेक्ट है और ठीक है, और बॉडी रोल भी जैसे मैंने आपको बताया इस ओके, और टर्निंग सर्कल इसका बड़ा अच्छा है, लॉक टू लॉक चली जाती है, देखें ये लॉक टू लॉक मैंने किया हुआ और बेहतरीन जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया इस गाड़ी की मैन्यूवरेबिलिटी बड़ी आसान है, तो फ़ौरन आप गियर शेयर चेंज कर सकते हैं, देखें एक हाथ से चला रहा हूँ मैं, कोई मसला ही नहीं हो रहा।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैगन आर में रैटल्स भी थोड़ी आनी शुरू हो गई हैं, खास तौर पे ये जो सीट है ना इसका बैक बोल्ट है वो अपेरेंटली लूज हो गया और वो फैक्ट्री से आता है और वह यहाँ डीलर से मिलता नहीं है, वो एक इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें अब रैटल आ रहे हैं। मतलब डैशबोर्ड रिलेटेड कोई रैटल नहीं है, सीट रिलेटेड रैटल ही आ रहा है, अगर आप ये थोड़ा सुन सके ना, ये एक थोड़ा मसला है। इट्स नॉट ऑलवेज, लेकिन व्हेन इट कम्स इट्स वेरी अनोइंग। मोर ओवर हॉर्न वेरी मुनासिब फॉर पाकिस्तानी ट्रैफिक, पाकिस्तानियों को इसके अलावा कोई हॉर्न समझ नहीं आता मसला है। जिस टाइम हमने गाड़ी ली थी उस टाइम इट कॉस्टेड अस 27 लाख, आज इस गाड़ी की कीमत तकरीबन अबाउट 3.3 to 3.4 मिलियन है। अब मुझे इसलिए एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में प्राइसेस इस तरह हिलती रहती हैं, तो यस आई फॉरगॉट दैट, मैं इसकी एग्जैक्ट फिगर लिखूंगा। ऑल एंड ऑल, डू वी रिग्रेट बाइंग दिस या नॉट? मेरे पास अगर पर्सनली ऑप्शन होता और जब हम ये ले भी रहे थे तो मैंने अपने वालिद साहब और घर वालों को कहा था कि आई वुड से के वाई डोंट यू गो फॉर अ सिटी जो मेरे पास इससे पहले सिविक से पहले होती थी, दैट वाज अ इतनी बेहतरीन गाड़ी थी ना, आई लव दैट कार। और या फिर रीबर्थ वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन, चले रीबर्थ छोड़ें क्योंकि रीबर्थ तो ज़रा होती है ना उसमें ज़रा काम शाम निकल आते हैं, और इस तरह सिटी तो रॉक सॉलिड गाड़ी थी, सिटी बहुत प्यारी गाड़ी थी, बट वो ज़हरी बात है वो शहर के लिए लेनी थी, वी डिडंट वांट अ बिग कार वगैरह। लेकिन नाउ इफ़ आई गो बैक इन टाइम, क्योंकि कभी आपने हाईवे पे भी जाना होता है और ये हाईवे पे काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो जाती है, मतलब इसमें घंटे ज़्यादा सफ़र नहीं होता। इफ़ वी हैड टू गो बैक इन टाइम और अगर आप पूछते कि यार वुड यू बाय दिस कार, तो मैं कहूँगा कि अगर मेरे फॉर एग्जांपल घर वाले मतलब उनके अगर माइंडसेट को लेके जाएं तो वी वुड डेफिनेटली बाय दिस। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो वैसे तो मैं सिविक पे जाऊँगा, लेकिन क्योंकि उसमें थोड़े मतलब काम निकल आते हैं तो आई वुड पर्सनली गो फॉर अ होंडा सिटी जो मेरे पास इससे पहले वाली होती थी, और मैंने इनफैक्ट वो सिटी ढूंढी भी लेकिन मुझे मिली नहीं। अगर मुझे मिलती तो मैं 2 सेकंड ना लगाता और मैं वो गाड़ी ले लेता। तो चलें जी, दिस वॉज अ वीडियो रिगार्डिंग वैगन आर की एनिवर्सरी। आप कह रहे होंगे यार तुम कितने डबल स्टैंडर्ड बंदे हो, सिविक के लिए केक लाए थे बेचारी वैगन आर के लिए। खैर कोई नहीं, इसे हम पेट्रोल डलवा देंगे, महंगाई ज़रा ज़्यादा हो गई है। इसमें एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इस गाड़ी की जो रेंज है ना तकरीबन हमें मिल जाती है अबाउट 500 करीब, 37 लीटर का टैंक है। तो चलें जी, दिस इज़ द रिव्यू ऑफ दिस कार। आपने इसके ड्राइविंग इंप्रेशन भी देख लिए होंगे जिससे मैंने चीज़ें बताई हैं। ऑल एंड ऑल, अगर आप मुझसे पूछें कि यार डू यू लाइक दिस कार, तो मैं पहले कहूँगा यार मुझे पहले 3-4 महीने में तो बस ठीक ही लगी थी। फिर जब अम्मा अब्बा हज पे गए थे और आई वॉज़ अ लोन और मेरे पास मतलब डेली गाड़ी, अभी भी डेली होती है लेकिन तब वो मतलब मेरे पास ही होती थी, तो तब आई स्टार्टेड टू लव दिस कार। फिर जब मैंने इसे माउंटेन्स में लेके गया तो इसकी पावर और इसकी माशाल्लाह आप रोड हाइट देखें, कहीं भी घुसा दें कोई मसला नहीं, मैं लिटरली इसको इस पर इसके ऊपर चढ़ा सकता हूँ, यहाँ चढ़ा सकता हूँ। माशाल्लाह इसकी रोड हाइट तो देखें आप, मैं इसके नीचे लिटरली, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इसके नीचे पूरा लेट सकता हूँ अगर मैं आपको दिखाऊँ। ये देख मतलब लिटरली मेरे पास इतनी जगह। नाउ आई गेट दिस कार और हाँ अब मुझे ये गाड़ी अच्छी लगनी शुरू हो गई है। अब आप ये देखें कि हमारे घर की गाड़ी है और इसने यू नो एरेंट रन्स करने होते हैं, ये गाड़ी तकरीबन दिन में ठीक ठाक चल जाती है, इसलिए अभी ये 15,000 चल गई है, ठीक है 15,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल गई है। अगर मेरे पास ये फैसला होता लाइक ए ईयर अगो, जैसे मैंने आपको बताया भी, मैंने अपने फैमिली वालों को कहा था कि मुझे यार आप होंडा सिविक ले लें रीबर्थ या लेट्स गो फॉर अ सिटी जो मेरे पास इससे पहले वाली थी, बट वो देवर लाइक नहीं यार घर की, मैंने एक छोटी गाड़ी होना ज़रूरी होती है। अगर मैं घर वालों की सोच से सोचूं तो फिर तो आई वुड डेफिनेटली बाय दिस वैगन आर, क्योंकि कल्टस और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आई प्रेफर दिस क्योंकि इसकी प्रैक्टिकलिटी थोड़ी बेहतर है। ऑल दो कल्टस एक गाड़ी है तो इसकी ड्राइव बेहतर है। या इट्स लाइक अ परफेक्ट कार, मतलब और हमें क्या चाहिए, यही चाहिए ना बस। बस ये है कि फॉर एग्जाम्पल जब हाईवे पर जाते हैं और ये इस गाड़ी ने जाना हो फिर एक मसला होता है, उसके लिए फॉर एग्जाम्पल वो सिटी बेहतर थी लेकिन हमारे पास घर में दूसरी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो दिस डज द जॉब परफेक्टली वेल। ऑल एंड ऑल बेहतरीन गाड़ी है, क्यूट सी क्यूट सी, अभी गंदी है गाड़ी जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पेपर से आज ख़त्म हुआ तो मैं आज ही आ गया हूँ। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वंस अगेन थैंक यू टू माय अम्मा जान फॉर होल्डिंग द कैमरा। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।